भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक भाई दूज का त्योहार 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। ये त्योहार दीपावली के दो दिन बाद यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। सनातन संस्कृत की परंपरा में इस त्योहार का अत्यंत ही महत्व है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। ये त्योहार भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाते हैं, बहन बड़े ही स्नेह के साथ भाई को भोजन कराती हैं और भाई की खुशहाली की कामना करती हैं। पौराणिक मान्यता है कि भाई दूज के दिन भाई बहन को अवश्य ही यमुना स्नान करना चाहिए। इसके बाद भाई को बहन के यहाँ तिलक करवा कर ही भोजन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश भाई बहन के यहाँ उपस्थित न हो सके तो बहन स्वयं भाई के घर जाए। बहन को चाहिए कि वह भाई को तिलक लगाने के बाद ही भोजन करे। यदि बहन सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ भाई के लिए प्रार्थना करे तो वह जरूर फलीभूत होती है। भैया दूज पर इस वर्ष भाई को टीका लगाने का शुभ मुहूर्त दिन में 1:09 से 3:17 तक है। इस अवधि के दौरान यदि बहने अपने भाई को तिलक लगाए तो अत्यंत ही शुभ होगा। इस पूजा में भाई की हथेली पर बहने चावल का घोल लगाती हैं, उसके ऊपर सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, पान, सुपारी, पैसा आदि हाथों पर रखकर धीरे धीरे पानी हाथों पर छोड़ते हुए कहती हैं, जैसे गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजा कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। मान्यता है कि इस दिन अगर बड़े से बड़ा पशु काट भी ले तो यमराज के दूत भाई के प्राण नहीं ले जाएंगे। इस दिन शाम के समय बहने यमराज के नाम से चौमुख दिया जलाकर घर के बाहर रखती हैं। इस समय ऊपर आसमान में चील उड़ता हुआ दिखाई दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि बहने भाई की आयु के लिए जो दुआ मांग रही है उसे यमराज ने स्वीकार कर लिया है, या चील जाकर यमराज को बहनों का संदेश सुनाएगा। धर्म और संस्कृत से जुड़ी कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर को सब्सक्राइब कीजिए।